वन महोत्सव के अवसर पर पूरे प्रदेश में एक ही दिन 25 करोड़ पौधारोपण किए जाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के वन मंत्री दारा सिंह चौहान सहित उन सभी लोगों को शुभकामनाएं दी जिन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भागीदारी की तथा इस वृहद वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाया। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौर में भी 25 करोड़ पौधे लगाने ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। पौधों से जलवायु और वातावरण संतुलित रहते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण कोरोना काल में भी मिला है। इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री व गुरुपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने कहा। साथ ही वन महोत्सव का भी कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है। पहली जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव के कार्यक्रम संपन्न होते हैं। वन महोत्सव के अवसर पर हम लोगों ने विगत वर्ष एक संकल्प लिया था कि प्रकृति और पर्यावरण दोनों के प्रति हम सब की कोई जवाबदेही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विगत 4 वर्षों से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पर्यावरण संरक्षण के लिए जो अभियान प्रारंभ किया था, पहले वर्ष 5 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमारी सरकार ने संपन्न किया 2017 में, 2018 में 11 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के एक लक्ष्य को प्राप्त किया गया। विगत वर्ष 2019 में 22 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का एक ही दिन में रिकॉर्ड बनाने का कार्य हुआ और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इस वर्ष के लिए जो लक्ष्य रखा था कि 25 करोड़ वृक्ष एक दिन लगाएंगे और आज कोरोना संकट के बावजूद जज्बा हो, टीम वर्क हो तो यह भी संभव किया जा सकता है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कुछ देर पहले तक 25 करोड़ 75 लाख से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे प्रदेश के अंदर संपन्न हुआ है और यह 26 करोड़ तक पहुंचने की इसकी पूरी संभावना है। मैं वन विभाग जो इसका नोडल विभाग था, जिन्होंने एक वर्ष के दौरान नर्सरी तैयार करना, वृक्षारोपण के लिए व्यापक पैमाने पर जगह जगह तैयारियां करना, जियो टैगिंग की व्यवस्था करना और आज प्रातः काल से ही 6 बजे से ही ऑनलाइन आप एक एक जगह के दृश्य को देख सकते थे। एक दिन में कोरोना कालखंड के बावजूद, कोरोना के बावजूद जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया, बच्चों को बुजुर्गों को इस अभियान से दूर रखने का प्रयास हुआ, उस सब के बावजूद समाज के विभिन्न तबकों ने, उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए विभिन्न विभागों ने, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों ने, पर्यावरण के प्रति जागरूक विभिन्न संस्थाओं ने अपना योगदान देकर के आज 26 करोड़ वृक्षारोपण का एक नया रिकॉर्ड प्रदेश के अंदर बनाया है। मैं इसके लिए सभी संबंधित संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। वन विभाग की अपनी पूरी टीम को, खासतौर पर वन मंत्री श्री दारा सिंह चौहान और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने पिछले एक वर्ष से लगातार प्रयास करके इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतर विभागीय समन्वय हो, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों का सहयोग हो, इन सभी के सहयोग से इसको आज अचीव किया है, एक बड़ा कार्य है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत वर्ष हम लोगों ने 22 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया था, हमने इन सबको जियो टैग किया है,
और देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं से हम इसका इंस्पेक्शन करवाते हैं, भौतिक सत्यापन करवाते हैं। विगत वर्ष 22 करोड़ जो वृक्षारोपण हम लोगों ने किया था, इस वर्ष हम लोगों ने देखा है कि इसमें 95% से अधिक वृक्ष जो लगाए गए थे वे सुरक्षित हैं। एक अच्छी दिशा में किया जाने वाला प्रयास है। इस वर्ष जो सबसे अच्छा हो रहा है कि हम लोगों ने सहजन, जो पर्यावरण के साथ साथ मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल है, यह भी हर गरीब परिवार को देने का कार्य किया है, खासतौर पर उन परिवारों को जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, कुपोषण के शिकार हैं, या जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना जिन्हें दिया गया उनको एक एक दो दो पौधे निःशुल्क उपलब्ध करवाया गया, और उनसे भी हम लोगों ने न केवल पौधा लगवाया बल्कि उनके माध्यम से उसे सुरक्षित करने की भी गारंटी ली गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित होने वाले किसानों से भी वृक्षारोपण करवाया गया, और जिन किसानों ने फलदार वृक्ष लगाने में रुचि दिखाई उन्हें हमने मुफ्त में वृक्ष भी उपलब्ध करवाए हैं। गंगा जी के तटवर्ती क्षेत्र में और गोमती जी के भी तटवर्ती क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम हमारा अभी अनवरत चलेगा और मेरा पूरा प्रयास होगा, हमारी सरकार का पूरा प्रयास है कि हम इस पूरे सत्र में 35 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के एक बृहद महाअभियान का, उत्तर प्रदेश के अंदर इस महाअभियान के तहत इतनी बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण के कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। प्रकृति और परमात्मा के प्रति जागरूक होने का एक नया संदेश भी है कि वृक्षारोपण महाअभियान, कोरोना ने प्रकृति के प्रति और पर्यावरण के प्रति भी हम सबको बहुत कुछ सबक सीखने के लिए मजबूर किया है, तो स्वाभाविक रूप से एक स्वस्थ प्रकृति और पर्यावरण से ही एक स्वस्थ मनुष्य और एक स्वस्थ जीव सृष्टि के संरक्षण की हम परिकल्पना कर सकते हैं, और एक कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। मैं उन सभी को जिन महानुभावों ने इस पूरे अभियान में अपना योगदान दिया है उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, वन विभाग को और वन विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, शासन से जुड़े हुए सभी विभागों को जिन्होंने बढ़ चढ़ करके रुचि ली है, और विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, राजनीतिक संगठनों के कार्यकर्ताओं को भी, स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ताओं को भी मैं इस महाअभियान का हिस्सा बनने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। गुरु पूर्णिमा की बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूँ।